सामने ये बियाबान जंगल है, हम इसे जंगल का जगत है और सेवा की तलाश करूंगा। हमने खून नहीं लूंगा, तब मैं सैन से नहीं बैठूंगा, इसी जंगल रास्ते चलता हूं। प्यास लग चुकी, स्पीकर दिखाई पानी मिल सकता है, यहाँ पे पानी लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन वो देखो सामने ऊंची वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है और पहाड़ी के पास मंदिर है, आओ हम मंदिर में प्रवेश, हो सकता है वहां पानी मिल जाए। सेना पत्थर की तलाश करते करते में काफी दूर आ गया, लेकिन अभी तक उनका कोई नहीं चल रहा। ये सामने उनकी पहाड़ी है, हम इस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। बहन जी कितनी दूर बचा, क्या करो बहन, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, कैसे खुलेगा, आओ आगे देख। इस पहाड़ी पर एक विशाल मंदिर है, चलता हूं हम इस मंदिर की तरफ, सेना पद की तलाश करूंगा और उन्हें ढूंढकर हम अपने झोपड़े लेकर चलूंगा। एक हफ्ता हो गया इस मंदिर पर, लेकिन न इस मंदिर में कोई आ रहा है, न यहां कोई रहता है, मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू, किसी के रंग की आ जा रही है और भूख के पानी बुलाने के लिए अभी लेकर आएगी।
पानी मिल गया। और ले पानी पियो बाबा, अभी भोजन बाबा जी बता रहे हैं कि मंदिर के पास चिराग है, चिराग को जलाया जाए तभी बाबा जी पानी पिएंगे। करेंगे बाबा जी, अगर चिराग जलेंगे पानी नहीं पी सकते तो भैया ठीक है, मैं इसी बात की चिराग को जलाती हूँ। जलाओ भैया। इस दृश्य को देखकर हमें पुरानी बात याद आनी है। वो कौन सी बात है? एक था बहन, महाराज और मैं शिकार के लिए निकले, पहाड़ी के ऊपर शेर कह रहा था। महाराज ने शेर पर गोली मारा, लेकिन वो गोली एक तांत्रिक को लग गई। तांत्रिक को रोने लगा, शराब दे दिया महाराज को, हमारे दूर हो गया। जब रोने लगा, चिल्लाने लगा, बाबा जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ से कुछ दूर पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर खो है, खो के अंदर विशाल मंदिर और मंदिर के अंदर चिराग, वह जादू कटारी है। जो कटारी हासिल कर लेता है जिंद उसके पक्ष हो जाता है, उसे कटारी से जिंद का खून हो उसका सीना चीरा जाए तो उसके सीने से तिरस्मी मोहरा निकलेगा। मोहरे को पानी में धोकर महाराज को नहलाया गया तो महाराज का रोग दूर हो जाएगा। हमें क्या लेना देना है चिराग और इस कटारी से, जबकि मेरे महाराज का इस दुनिया में कोई पता नहीं। भैया चलो, हम सबसे पहले अपने महाराज को ढूंढते हैं, फिर वापस इसी मंदिर में आते हैं। चलो मार सकते हैं।
बच्चे पूछते हैं, आप बता दो माँ बच्ची से मैं कौन अवश्य बताऊंगा। अफसोस तुम्हें हाथ उसका भी नहीं है, कौन सी कुत्ती सीने से लगा लू चाहता मैं ही हूं। अब हमारा बहला चवंशी हूँ आज कभी कभी कुछ लेकर खा रहा हूँ, रहा हूं सोचू से देखा ये देखकर हमें उस क्रांति की बात याद आ गई। दूसरे देश ने बताया था ठीक हम उसके स्थान पर आ गए हैं, चिराग को फिर से जलाकर किसी तरह से एक कटारी हासिल करो, जैसे कटारी हासिल हो जाएगी सब झुकाव हो जाएगा। तो मुझे मिलकर दुनिया की हर खुशी मुझे मिलकर आपका ठीक करा लेंगे, हम लोगों को तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगी। महाराज मैं आपको ठीक करके शुरू की चिराग को आप अपने आप को सतर्क रखना, मैं चिराग को जलाती हूँ और जैसे जिन प्रकट हो हम उस पर टूट पड़ते हैं, किसी न किसी तरह से ये कटारी हासिल करके उसका खून करके उसके सीने से फिर अपनी मोहर हासिल करते हैं। ये कटारी जिसके हाथ में होती है मैं उसका गुलाम होता। चिंता साहब हमारी तुम्हारी कोई जाति दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम्हारे सिर के दर्द आज जी चुकी है जिससे हमारे महाराज का कोट ठीक हो सकता है, इसलिए चिंता साहब तुम्हारा मरना बहुत जरूरी हो गया है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।